गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज मेघना और आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पे हम सीखेंगे, हम देखेंगे हाउ टू कंटूर योर फेस. वैसे कंटूरिंग तो हम लोग काफ़ी वीडियोस में देखते हैं, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने भी सिखाया, लेकिन आज मैं आप लोग को सिखाना चाहती हूँ हाउ टू कंटूर योर फेस. वैसे कंटूरिंग है क्या? सबसे पहले बात तो यह है, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंटूरिंग एंड ब्रॉन्जिंग. ब्रॉन्जिंग हम लोग करते हैं अपने फेस को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए, थोड़ा सा टैन लुक देने के लिए एंड थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए. एंड कंटूरिंग जो हम लोग करते हैं वो क्या है, हमारे फेस में चिसल फेस दिखाने के लिए, हमारे फेशियल जो फैट्स है या डबल चिन है उसको हाइड करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए. तो कंटूरिंग का तीन चार लेवल है. जैसे कि गाल पे हम जब कंटूर करते हैं तो यहाँ पे हम कंटूर करते हैं अपने फेस को इस तरह से पाउट करके, ये जो आपको हॉलोज आएगी, हॉलोज ऑफ द चीक्स, वहाँ पे हम कंटूर करते हैं, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक. फिर हम कंटूर करते हैं यहाँ पे चिन के, यहाँ पे जहाँ पे डबल चिन्स आ जाते हैं, तो इस साइड में हम कंटूर करते हैं तो डबल चिन्स को हाइड करने के लिए. इसके बाद हम कंटूर करते हैं अपने नोज़ को, तो नोज़ को स्लिम दिखाने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक कंटूर करते हैं. एंड उसके बाद हम फोरहेड्स पे भी कंटूर करते हैं अपने फोरहेड्स को छोटा दिखाने के लिए, एंड वो है यहाँ से लेके यहाँ तक. तो आपको यहाँ से लेकर जब आप कंटूर कर रहे हो तो एक ऐसा लगेगा कि आपकी फोरहेड छोटा है एंड हेयर लाइन जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है. वैसे फोरहेड आपका छोटा है या बड़ा है, इसका देखने का सही उपाय है कि आप अपने फिंगर्स को ऐसे थ्री फिंगर्स ले लीजिए. थ्री फिंगर्स को देखिए आपकी फोरहेड थ्री फिंगर्स तक ही आ रहा है कि नहीं, आईब्राउज के ऊपर. अगर थ्री फिंगर्स तक आ रही है इसका मतलब आपका फोरहेड छोटा ही है, बड़ा नहीं है. अगर थ्री फिंगर्स से ज़्यादा बड़ा है आपका फोरहेड, यानी कि मेरा देखिए थ्री फिंगर्स तक ही मेरा फोरहेड है, इसके बाद हेयर लाइंस आ रही है, इसलिए मैं कभी भी यहाँ से कंटूरिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा फोरहेड पहले से ही छोटा है. वैसे कंटूरिंग करूँगी तो ये और भी छोटा दिखेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ. लेकिन अगर थ्री फिंगर से ज़्यादा आपका फोरहेड बड़ा है तो आप कंटूरिंग करेंगे तो आपका क्या लगेगा कि हेयरलाइन जैसे कि आ गया है काफ़ी हद तक एंड आपका फोरहेड थोड़ा सा छोटा लगेगा. अब गाल में अगर आपकी फेस बहुत ज़्यादा स्लिम है एंड बहुत ज़्यादा चिसल्ड फेस है नेचुरली, तो मैं कहूँगी आप ब्रॉन्जिंग कीजिए, कंटूरिंग बिल्कुल भी मत कीजिए. लेकिन अगर आपकी फेस राउंड है, स्क्वायर है या फिर फेशियल फैट्स है, तो आप उसको कट देने के लिए, चिसल आउट करने के लिए और भी खूबसूरत बनाने के लिए आप कंटूरिंग ज़रूर कीजिएगा. अब आते हैं अपने डबल चिन्स पे. अगर हम फोटो खींचने के लिए जा रहे हैं या फिर कोई पार्टीज में जा रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, डे टू डे बेसिस में मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूँगी आप यहाँ पे कंटूरिंग कीजिए, बिकॉज इट वॉन्ट लुक गुड एंड स्पेशली फॉर द डे टाइम. क्योंकि कंटूरिंग का जो कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है हमारे स्किन कलर से. तो अगर आप स्पेशल ओकेशन पे जा रहे हो, कोई पार्टीज में जा रहे हो या फिर आप कोई फोटो सेशन चल रही है, तो आप कंटूरिंग ज़रूर कीजिएगा. एंड यहाँ पे जो कंटूरिंग खास करके है वो हमारे डबल चिन्स, जो यहाँ पे डबल चिन्स आते हैं उसको हाइड करने के लिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक कट करते हैं एंड हम इस तरह से उसको इल्यूशन देते हैं कि हमारा कोई डबल चिन है कि नहीं. अब आते हैं कंटूरिंग किस चीज़ से किया जाता है. वैसे जैसे कि मैंने कहा कि ब्रॉन्जिंग अलग है एंड कंटूरिंग अलग है. ब्रॉन्जिंग का कलर अगर आपका ऑरेंज अंडरटोन है तो चलेगा, लेकिन कंटूरिंग के लिए हमेशा ग्रे अंडरटोन कलर ही चूज़ कीजिएगा, तभी वो अच्छी दिखेगी एंड अच्छी तरह से कंटूर हो पाएगी. वैसे आप पाउडर से कंटूर कर सकते हो, आप क्रीम से कंटूर कर सकते हो एंड आप लिक्विड प्रोडक्ट से भी कंटूर कर सकते हो. आज जो मैं कंटूर कर रही हूँ मैं पाउडर से ही कर रही हूँ. मुझे पाउडर कंटूरिंग ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि वो ब्लेंडेबिलिटी अच्छा है. एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर, इफ़ यू आर अ न्यू कमर, देन स्टार्ट डूइंग विद अ पाउडर. पाउडर से ब्लेंड अच्छी तरह से हो जाएगी एंड आसानी से हो जाएगी. तो सबसे पहले मैं आपको कलर दिखाती हूँ. जैसे कि मैं नैशियो की पैलेट यूज़ कर रही हूँ कंटूरिंग करने के लिए. ये जो दो कलर्स है, ये ब्राउन जो दिख रहा है आपको कलर, ये ग्रे अंडरटोन कलर्स है. इसमें पिंक अंडरटोन बिल्कुल भी नहीं है, ऑरेंज अंडरटोन भी नहीं है. आप देखिए ये जो कलर्स है, मैं अपने हाथ के यहाँ पे स्वच करके दिखाती हूँ. इसमें ग्रेइश अंडरटोन है, आप देख रहे हो ना, इसमें कोई ऑरेंज जैसा अंडरटोन नहीं है. अब मैं आपको दिखाती हूँ ब्रशेस कंटूरिंग के लिए. ब्रश
अलग से आपको लेनी पड़ेगी अगर आपके पास कोई ब्रश नहीं है। एक तो है इस तरह से फ्लैट ब्रश, मुझे तो ये नेशियो पैलेट से ही ये फ्री में मिल गई, तो दिस इज फॉर कंटूरिंग। ये एकदम आप जब इस तरह से चिसल करोगी तो आसानी से ये आपका कंटूर करने में हेल्प करती है एंड ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है। फिर आप इस तरह से ब्रश लो, एक है ये जैसे कि ये स्लैंटिंग है, छोटा है, तो आप इसको भी इस तरह से मार्क कर सकते हो एंड फिर एक फ्लफी ब्रश लेके आप पूरा ये मार्क करने के बाद उसको ब्लेंड कर सकते हो। एंड ऐसा भी ब्रश आप ले सकते हो, ये थोड़ा फ्लफी ब्रश है, बेंड है, एंगुलर है, ये एकदम प्लेन नहीं है ऊपर, तो इससे भी आप अपने फेस को आसानी से कंटूर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं इस ब्रश से कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा पाउडर उठाया है, ऑलवेज टैप आउट द एक्सेस। तो आप देखा ना कि यहां से लेके यहां तक मैंने मार्क किया, फिर मैं यहां भी करूंगी। तो जहां पे मैंने ये किया है वहीं पे मैंने इसको किया है। अब डबल चिन हटाने के लिए, डबल चिन के लिए आप अपने फेस की जो कट है उसी को आप फॉलो कीजिए। देख रहे हो ना कि जो फेस की कट है मैं वही फॉलो कर रही हूं। अब मैं आती हूं अपने नोज पे। देख सकते हो कि यहां से मैं लेकर यहां तक आ रही हूं। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग हमेशा यहां से लेकर ऊपर तक। तब देख सकते हो ये ब्लेंड हो गया है। तो दोनों मैंने ब्लेंड किया है, अब मैं यहां पे ब्लेंड करूंगी। ब्लेंड करने के लिए आपको फ्लफी ब्रश ही चाहिए। नोज को भी मैं ब्लेंड कर लूंगी। अब मेरा फोरहेड बहुत छोटा है इसलिए मैं फोरहेड तक नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो मैं दिखाती हूँ कि कैसे करना है। फोरहेड के लिए ऐसा ब्रश मत लीजिए, ऐसा फ्लफी एंगुलर ब्रश ही लीजिए। ऐसे उठा के यहाँ से लेके आपको यहाँ से ऐसा करना है अपने हेयर लाइन को उठाने के बाद, एंड बहुत ही हल्के हाथों से लेना है वरना एकदम ब्लैक या बहुत ज़्यादा ब्राउनिश लगेगी। और हेयर लाइन से आपको इसको हेयर लाइन तक ही ले जाना है तो तभी ये नेचुरल दिखेगी। तो माय कंटूरिंग इज कंप्लीट। आप देख सकते हो कि मेरे नाक में भी एक थोड़ा सा फ्लैट नोज है मेरा, ब्रॉड बहुत चौड़ा है, तो थोड़ा सा इसको स्लिम किया मैंने। अब इसके बाद मैंने अपने फेस को चिसल आउट किया, इसके बाद यहाँ से भी मैंने कट करके अपना डबल चिन भी हाइट किया, एंड मेरा फोरहेड छोटा है फिर भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप फोरहेड पे भी कर सकते हो। एंड कंटूरिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट योर ब्लशर एंड हाइलाइटर। कंटूरिंग के बाद ही हम ब्लशर लगाते हैं, उसके बाद हाइलाइटर लगाते हैं। पहले हाइलाइटर और ब्लशर लगाने के बाद कंटूर मत कीजिएगा, सबसे पहले कंटूर कीजिएगा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको ब्रॉन्जिंग करना है उसके बाद ब्रॉन्जिंग करना, उसके बाद आप ब्लशर लगाइएगा, उसके बाद आप हाइलाइटर लगाइएगा। तो ये इसी तरह से मेकअप का स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड माय वीडियो एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल देन प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल बटन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो टेक केयर एंड बाय।